से शुरू हो रहा है एक नया धारावाहिक, क्योंकि क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बाबूजी। आज आप पूरे 400 साल के हो गए हैं। सच 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुत्र तू भी तो इतना बड़ा हो गया, पूरे 200 साल का। बाबूजी, लेकिन कमाल देखिए, मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। ये कमाल मेरे सोप का है। साबुन का? मेरे टीवी सोप का। और बाबूजी, आज मैं यहाँ पर बधाई देने नहीं, बधाई लेने आया हूँ। मुझे 2 बहनों से प्यार हो गया। क्या 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 क्या? हाँ हाँ हाँ। और जिन दोनों बहनों से मुझे प्यार हुआ है, मुझे ही नहीं सारे देश को भी प्यार हो गया है। जब तक सारा देश उन्हें देख ना ले, वो चैन से बैठता नहीं है। और जिनकी बात कर रहा हूँ, वो है इस देश के सबसे सक्सेसफुल सीरियल बिदाई की दो प्यारी सी बहनें। सच 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 सच? हाँ हाँ हाँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आ रही हैं साधना और रागिनी बिदाई से। Good to see you girls. Thank you. Wonderful to have you here. Very, very nice. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले तो बहुत नर्वस थे हम लोग की फर्स्ट टाइम में शाहरुख खान जी से हम लोग मिले जा रहे हैं, लेकिन जब भी आपसे मिले ना, जी मत बोलो, ऐसा लगता है मैं शाहरुख जा रहे हैं, तो उसके बाद इतना अच्छा फील हुआ। हम दोनों अपनी वैरायटी में जाके बोलते हैं सो स्वीट ना, कितने प्यार से बात करते हो। मैं बहुत स्वीट हूं मैं। ओके रियली, कभी मुझे खा कर देखो, बहुत स्वीट हूं अच्छा हूं मैं। ओके ये बताओ, तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहती हो, हर चीज साथ में करती हो? नहीं, हर चीज तो नहीं साथ में करते हैं। क्या क्या साथ में करते हो? शॉपिंग हुई और घूमना फिरना हुआ, पैकअप के बाद साथ घर साथ घर जाना। खाते हो साथ में? हाँ, खाना हाँ। पीना नहाना? नहीं नहीं, नहाना क्लास वाला नहीं। और अभी अभी रिसेंटली जो सीरियल में एपिसोड आ रहे हैं, उसमें तुम्हारी शादी, साधना की शादी हो गई है, तो बुरा लगता है? कैरेक्टर तो साधना का अधूरा है रागिनी के बिना, रागिनी का साधना के बिना, पर्सनली भी बहुत बुरा लगता है। अच्छा, और तुम दोनों बहुत छोटी उम्र के हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की, इतना नाम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगता है जब लाइक ऐसा बोला जाता है यार साधना ना, कहीं मॉल में जाओ तो यार साधना ना, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जीन्स एंड कैजुअल्स में जाते हैं, साड़ी एंड ये तो सब। ज्यादातर अगर हम साथ में जाते हैं तो लोग बहुत जल्दी बताते हैं ओ बिदाई की, वो काली गोरी बहन की जो कहानी आ रही है ना, वो बिदाई लोग ने चेस पीसेस की तरह ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पर फैमिली भी आई हुई है, उनसे हमको मिलाओगे प्लीज? ये है मेरी माँ विभा छिब्बर। माँ जी, विभा जी कैसी हैं आप? इन्होंने मुझे चकदे में बहुत डांटा था, इन्होंने मुझको बहुत परेशान करती थी मुझको। नहीं वैसे ये रियल है, वो मुझे भी बहुत मारती हैं सेट पे, खुद भी मैं हल्का सा उनकी तरफ फेस बना देती हूं, दोनों तरफ सारे सारे पोल खोल देंगे हम आपके यहां पे। कृष्णा जी मुझे लेकिन बात प्यार भी बहुत करती हैं। ये है मेरी भाभी स्वीट सी क्यूट सी भाभी, ये कभी झूठ तो बोलती नहीं है। असली में झूठ नहीं बोलती है या कैरेक्टर में झूठ? कैरेक्टर में झूठ तो बोलती नहीं है। अच्छा, सब कुछ झूठ बोल भी देती है। तुमने मुझे बैक स्टेज पे मुझे इन्होंने बताया कि थोड़ी सी ना बड़ी चालू सा कैरेक्टर है इनका, ये है ना ऐसा इनका कैरेक्टर है। शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई कांट टेल यू। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, प्लीज कम ऑन, हस्बैंड से परमिशन मत लो, कोई बात नहीं। जहाँ लोगों को आपसे मिलने का एक मौका नहीं मिलता, लेकिन गॉड मुझ पर इतने ग्रेसफुल और इतने मेहरबान थे कि मैं अपनी जिंदगी में आपसे 3 बार मिल चुकी हूँ। एक बार तो मुझे वैन में मिली हो कमालिस्तान में। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, जमाना दीवाना की शूटिंग के लिए आप चेंबूर आया करते थे। कौन सी क्लास में थी? फोर्थ स्टैंडर्ड में। फोर्थ क्लास में थी तुम? हाँ। और मैं अपनी ट्यूशन, शर्म आने लगी। मैं अपनी ट्यूशन बंक करके आती थी आपसे मिलने के लिए, आपने मुझे बहुत ही प्यारी एडवाइस भी दी थी। तब मैं आई एम सॉरी, वो वाली मुलाकात मैं भूल गया हूँ। तब मैं छोटा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल तो शायद हर इंसान किसी ना किसी तरह तो बन ही जाता है, लेकिन उस सक्सेस को हैंडल करना मेरी नज़र में सिर्फ सिर्फ शाहरुख खान को आता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। नेक्स्ट टाइम ये मेरे प्यारे विनीत भैया,
जो अपनी बहनों से तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन भाभी की साजिशों में यूं घूमते हैं, भाभी का ऐसे उंगलियां उठाती है भैया घूमने लग जाते हैं। लड़कों का अमूमन यही हाल होता है, लड़कियां उनको बुद्धू बना देती हैं। मुझे भी चारों तरफ लड़कियां हमेशा बुद्धू बना देती हैं यार, मैं समझ सकता हूँ। हमने नहीं बनाया अभी। तुमने नहीं बनाया अभी। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों यहाँ पर जीतेंगे बहुत सारा पैसा? चैरिटी के लिए खेल रही है, हेल्प एज इंडिया के लिए। फिर तो जीती जाएंगी सर 100%। चलो वेरी गुड विशेस है। अच्छा काम कर रही है ना सर? अच्छा काम कर रही है, सीरियल में भी अच्छा काम कर रही है और यहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगी। अनालोक साहब कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपको मिल रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। एंड टू लेट यू नो जस्ट पर्सनली, आप लोग जो उम्र में छोटे हो तो आप लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद है, लेकिन मैं आलोक साहब का फैन हूँ। इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स एवर। हाउ आर यू सर? Very well, thank you. Feeling good here? Lovely. हम आपको बोर नहीं करेंगे, आपको अच्छा शो देंगे, एंटरटेन करेंगे। और आपको क्या लगता है ये जो आपकी बच्चियां हैं, ये आपकी बेटी है और ये मामी से क्या मामा से क्या हो जाता है? भांजी, ये भांजी है आपकी। तो लगता है ये दोनों अच्छा खेलेंगे? अब उम्मीद तो यही है कि हमारी इज्जत कायम रखेंगे। डोंट वरी बाबूजी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके गर्ल्स, मैं तुमको जल्दी से पहले गेम के रूल्स बताता हूँ फटाफट। गेम के रूल्स ये हैं कि तुम्हारे सामने एक क्लास से लेके पांचवी क्लास तक के 10 सवाल या 10 सब्जेक्ट्स आएंगे, उनमें से तुम कोई भी सवाल किसी भी वक्त चूज कर सकती हो, कोई भी कैटेगरी। पहले सवाल का सही जवाब दोगी तो 10,000, उसके बाद 20, फिर 50, बढ़ते बढ़ते 10 सवाल का सही जवाब दोगी तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल, 5 करोड़ रुपए का सवाल, विच वी होप कि तुम्हारी जो चैरिटी हेल्प एज इंडिया को देना चाहती हो। इसकी कैटेगरी तुमको बताएंगे, सवाल नहीं बताएंगे, सवाल देख लोगे तो जवाब देना ही पड़ेगा, और गलत जवाब दिया तो 1 करोड़ रुपए से तुम 2 लाख पे आ जाओगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। गुड थिंग अबाउट दिस गेम कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरी क्लास छोड़कर भाग सकती हो, लेकिन मेरी क्लास में से भागने वालों को हम कहते हैं भगोड़ा। इन योर केस इट विल बी भगोड़ीज। ओके, सो प्लीज तुम दोनों भगोड़ीज मत बनना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे ये शो देखें और सोचें कि स्कूल में क्लास में पढ़ना लिखना चाहना और जरूरी है ये बातें, ठीक है? और एक बात और है, अगर बाय चांस तुम 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तो उस कैमरा में देख कर बोलना पड़ेगा अपना अपना नाम। कहोगी मैं साधना और कहोगी मैं पारुल। हम दोनों बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, साथ में खाते पीते नहाते नहीं हैं, खाते पीते घूमते फिरते हैं, लेकिन हम पांचवी पास से तेज नहीं। डन, बोल देंगे। इनमें से कोई बच्चा क्लास में चूज कर लो कि तुम्हारी आके यहाँ पे मदद करे। श्रेया। This is Shreya. She is the sweetest girl in the world and she is my little princess. Okay? ये तुम्हारी मदद करेंगे और हम एक फैमिली से मिल चुके हैं, दूसरी फैमिली से मिलेंगे बाद में 2 सवालों के बाद, अदरवाइज मैं फैमिली से नहीं मिलूंगा अगर सही जवाब नहीं दिया तुमने। ओके, ऑल राइट। पता करते हैं अब हम दोनों कि ये जो दो खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं, सारा एंड पारुल, पांचवीं पास से तेज हैं या नहीं। तो जल्दी से तुम अपनी कैटेगरी चूज करो 10,000 रुपए के लिए। पर्सनालिटीज क्लास 1 सबसे जो लोएस्ट है तुम दोनों ने चूज किया। वेरी गुड, गुड बिगनिंग। क्लास 1 पर्सनालिटीज 10,000 रुपए के लिए साधना और रागिनी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर सवाल है, इनमें से कौन से व्यक्ति सितंबर महीने में पैदा हुए थे? तुम्हारी चॉइसेस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ अंदाजा है सितंबर में क्या होता है? यहाँ पर श्रिया को लगता है कि उसे सही जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया है। और ये क्लास 1 का सवाल है। इंडिया के नंबर 1 सीरियल विदाई की ये जो 2 बहनें हैं, थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोलो, खुशबू मत को मुझे बीच में आके सुनता रहना पड़ेगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, ठीक है? क्या बोल रहे थे सितंबर के बारे में तुम? शास्त्री, 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे होता है। बोला ना कि टीचर्स। तो इनमें से कौन हो सकते हैं जो सितंबर में पैदा हुए हों या उस डेट को पैदा हुए हों? बी लाल बहादुर शास्त्री। सोच समझ के जवाब देना, अगर गलत जवाब हुआ तो तुम्हारा गेम यहाँ पे खत्म हो सकता है, हालांकि तुम्हारे पास 3 चीट्स भी हैं, तो एक बार और सोचो।
So confusing. We'll go for Dr. S. Radhakrishnan. पहले तुम लाल बहादुर शास्त्री के साथ जाना चाह रही थी, अब डॉक्टर एस राधाकृष्ण. ज्यादा टाइम दूंगा तो तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी जाना शुरू करो. डिसाइड करो, तुम्हें अगर लगे कि ठीक है तो उसे फिक्स कर दो, और अगर गलत भी हुआ तो एक चांस है कि श्रिया को जवाब सही मालूम हो शायद. डॉक्टर एस राधाकृष्णन. चॉइस ए करना चाहते हैं? चॉइस ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. योर चॉइस. 10,000 रुपीज, फिक्स इट इफ यू वांट टू. फिक्स तो अपने चूड़ियों वाले हाथों से करना पड़ेगा. इसको ऐसा दबाना पड़ेगा और बोलो आंसर और फिक्स कर दो इसको. आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन. अगर ये जवाब गलत हुआ कैसा लगेगा तुमको? तुम अच्छा खासा लाल बहादुर शास्त्री बोल रही थी, मैंने तुम्हें समझाया भी कि जो आंसर लगे उसके साथ जाओ, लेकिन घूम फिर के तुमने चेंज कर दिया. क्यों ऐसा चेंज किया? अच्छा क्या चेंज किया? एस राधा कृष्ण इज द राइट आंसर. 10,000 और अब मैं थोड़ी सी मुलाकात पर्सनली अपने आप में कर लूं दोनों के साथ, साधना और रागिनी के साथ. आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें. बिल्ली. हाँ तू बिल्ली. बता दो तुम ऐसे मुझे अशब्द बोलती रहोगी तो मैं टीचर हूँ. बिल्ली कैसे हो? आप बिल्ली कैसे हो सकते? मैं क्या हो सकता? बिल्ली हो सकते हो. बोलो 1, 2, 3. वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मैं खड़ा हुआ हूँ बिदाई की दो खूबसूरत हीरोइंस एक्ट्रेसेस कजन्स के साथ. और मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत ही खास एपिसोड शो है हमारा. मैं इस वक्त जैसे आपने देख रहे हैं कि ये बिदाई की लड़कियों के साथ खेल रहा हूँ. यहाँ से बहुत सारा पैसा जीत कर जाएंगे, अपनी चैरिटी हेल्पेज इंडिया को देंगे वो पैसे 20,000 रुपए के लिए. जल्दी से तुम अपनी कैटेगरी चूज करो क्योंकि ये चैरिटी के लिए है, तो कुछ पैसा फटाफट कमाएं. आर यू फीलिंग गुड? क्लास वन हिंदी. ओ सीधे हाई स्टैंडर्ड पे जा रही हैं दोनों की दोनों. 20,000 रुपए के लिए उनके लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. तुम्हारा सवाल है हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर. एक हिंदी मुहावरे के अनुसार कौन सा जानवर खिसिया कर खंभा नोचता है? कौन सा जानवर खिसिया कर? बिल्ली. हाँ तू बिल्ली. बिल्ली मत बोलो मुझे. श्रिया ने अपना आंसर फिक्स कर दिया. तुमने मुझे बिल्ली बुलाया है तो बता दो, तुम ऐसे मुझे अशब्द बोलती रहोगी तो मैं टीचर हूँ. आप बिल्ली कैसे हो सकते? मैं क्या हो सकता? बिल्ली हो सकते हो. मैं बिल्ला हूँ? नहीं हो नहीं मींस मतलब हो सकते. अगर होता तो होते तो मुझे क्या मालूम. मुझे लोग बहुत बुरी बुरी चीजें कहते हैं, मैंने कहा ये भी कहना शुरू करते बिल्ली. क्या करना चाहोगी? बिल्ली. म्याओ म्याओ बोल सकते हो दोनों तुम इकट्ठे. बोलो 1, 2, 3. म्याओ. ओके वेरी गुड. बिल्ली. बिल्ली तो क्या करना है अब? अपने पंजों से फिक्स कर दिया है तुमने 20,000 रुपए के लिए बिल्ली. और एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, मेरी एक फिल्म थी डॉन, उसके अंदर मैं बोलता हूं कि मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है. इसलिए नहीं क्योंकि वो खंभा नोचती हैं, बट बिल्ली अच्छी होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं. और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्ली इज द राइट आंसर. 20,000 रुपीस. अच्छा साधना, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से नहीं मिला हूं, सबसे हेलो कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ. ये मेरा देवर नटखट सा प्यारा सा. नटखट से देवर कैसे हैं आप? रणवीर किंशुक. एंड हु एल्स इज देयर? और मेरी सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली, बहुत ही ज्यादा हर चीज पे गुस्सा आ जाता है, जरा जरा सी छोटी छोटी सी बातों पे, भाभी तो इसे पसंद ही नहीं है कहीं से. ये है मेरे हस्बैंड की प्यारी सी बहना. ये तो बड़े अच्छे हैं, स्माइल कर रही हैं, गुस्सा उसका कैसे कर सकते हैं? बस पूरे टाइम ये क्या किया, ऐसा क्यों कर रही हो? तो एक बार करके दिखाओ कि पहले सवाल में इतना टाइम क्यों लिया. एक बार गुस्सा करके दिखाओ. साधना पहले सवाल में इतना टाइम क्यों लिया तुमने? और यहाँ पर स्वीट सी सोनिया भी है. हेलो स्वीट सी सोनिया. मधुरा हाउ आर यू? हाय आई एम गुड. आपको कैसा लगता है ये दोनों जीतेंगे यहाँ पर? आई थिंक दे विल प्ले वेरी वेल. दे विल प्ले वेरी वेल, लेकिन जीतने का चांस कम लग रहा है तुम्हें. नहीं जीतेंगी.
जीतेंगी जीतेंगी नहीं जीतेंगी they will actually जीतेंगी okay thank you very much for being here चलो जल्दी से अपना एक नया क्लासमेट चूज करो कि यहाँ पर आए अनुभव come on अनुभव very good 50,000 रुपीस का लेंगा अनुभव एक बार उनको दिखा दे ऐसा जो डांस करता है तू चक 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 कैटेगरी चूज करो क्लास टू जनरल नॉलेज रागिनी और साधना क्लास टू जनरल नॉलेज फॉर 50,000 रुपीज इन्हें सवाल दिखाया जाए प्लीज तुम्हारा सवाल है ये फोटो आएगी तुम्हारे सामने ये बताना है ये किस देश का राष्ट्रीय झंडा है Name the country whose national flag is this. और अभी तुम्हारे सामने वो flag आ रहा है, ये ही flag है. हरा है और बीच में एक लाल गोल है. अनुभव को लगता है उसे सवाल का जवाब मालूम है. तुम्हें कुछ मालूम है इसके बारे में? ऊंचा ऊंचा बोलो. She's saying that कि पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान में तो चांद और तारे बने हुए हैं. पाकिस्तान में तो चांद और तारा है. 50,000 रुपए के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी चीटिंग्स भी बाकी हैं ताक झांक कर सकती हो कॉपी कर सकती हो बचाव कर सकती हो क्या करना चाहोगे कॉपी करना चाहोगे तुम्हें भरोसा है कि अनुभव जो ऐसा ऐसा कर रहा था उसको इस झंडे का मालूम होगा ऐसे ऐसे करके आंसर भी दे रहे ओके तो बोलो कि हम एक छोटे से बच्चे से खुद इतनी बड़ी बच्चियां होकर हम एक छोटे से बच्चे से कॉपी करना चाहती हैं हम इतनी बड़ी बच्चियां होकर इतने छोटे से बच्चे से कॉपी कर रहे हैं इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है और फिक्स करो कि ये तुम्हारा फिंगरप्रिंट यहां पर आ जाए देखते हैं कि अनुभव ने क्या जवाब लिखा है प्लीज कैन वी हैव अनुभव आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज अनुभव ने लिखा है ये झंडा है बांग्लादेश का ये आंसर अगर गलत हुआ तो अनफॉर्चुनेटली गेम यही खत्म हो जाएगी तुम्हारी चैरिटी के लिए जो तुम कमाना चाह रहे थे वो तुम नहीं कमा सकोगे लेकिन हमें बहुत खुशी है कि विदाई की दोनों बहनें यहाँ पर आई और उनकी फैमिली से हम मिल सके और इस बात की भी खुशी है कि अनुभव ने तुम्हारी मदद बिल्कुल ठीक की है बांग्लादेश इज द राइट आंसर टेंशन में आ गई थी अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है यार और तुम चैरिटी के लिए खेल रहे हो तो हमारी दुआ यही है कि तुम बहुत सारे पैसे यहाँ से जीत जाओ प्लीज टेक अ टिफिन ब्रेक मामा जी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 एक या दो करके ऐसा गिन लो काश स्कूल में भी ऐसी टीचर होती मैं आपसे बाद में मिलूंगा मामा जी इस बात के बारे में डरा रहा हूँ तुमको परेशान कर रहा हूँ बच्चियाँ क्या कर रही है देखो आप क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मेरे साथ खेल रही हैं खूबसूरत पारुल और सारा यानी साधना और रागिनी अब तुम 50,000 रुपए जीत चुके हो एंड अब 1,00,000 रुपए के लिए खेल रहे हो जल्दी से सब्जेक्ट चूज करो और ध्यान से और सोच समझ के आंसर देना इंग्लिश 1,00,000 रुपीज क्लास 3 इंग्लिश फॉर द बिदाई सिस्टर Can we have the question, please? हिंदी में तुम्हारा सवाल इंग्लिश के बारे में है इस वाक्य में कितनी जातिवाचक संज्ञाएं बी लेटर से शुरू हुई हैं? तुम्हारा सेंटेंस है इन बॉम्बे आई सॉ बिल्लू विद अ रेड बलून इन अ ब्लू बस हाउ मेनी कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिन विद द लेटर बी इन बॉम्बे आई सॉ बिल्लू विद अ रेड बलून इन अ ब्लू बस अनुभव को लगता है उसे आंसर मालूम हाउ मेनी कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिन विद द लेटर बी इन बॉम्बे आई सॉ बिल्लू विद अ रेड बलून इन अ ब्लू बस ये बिल्लू कौन है बिल्लू 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 को जानती हो तुम मैंने बिल्ली बोला था हाँ बिल्ली का भाई बिल्लू आ गया बिल्लू आ गया बिल्लू For 1,00,000 rupees, what do you think? A common noun? I don't think so. Okay, blue is a, like, it's not a thing. Blue is not a thing.
कलर तो कलर है। नाउन्स मालूम है कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कौन से? कॉमन बॉम्बे इज अ कॉमन प्लेस बॉम्बे। जाति वाचक संज्ञाएं बॉम्बे। मामा जी पिताजी अच्छा क्या कर रही है देखो आप। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन नाउन्स नहीं सिखाया आपने इनको। मैं आपसे बाद में मिलूंगा मामा जी इस बात के बारे में। कॉमन नाउन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट नाउन देन दीज आर नाउन्स मुंबई बॉम्बे बिल्लू बलून बस। बट कॉमन नाउन इज अ बिट कंफ्यूजिंग थिंग। कॉमन थिंग इज बस दैट इज कंफर्म। आपको लगता है बस जातिवाचक है और एक ही है और भी हो सकते हैं? बस बॉम्बे बलून इज नॉट देयर बिल्लू इज नॉट बलून आई थिंक सो बस एंड बलून बस बलून बस। ओके एक बार बच्चों मेरी बिदाई की बहनों के लिए दम लगा के जोर लगा के अब तुम्हें पावर मिलेगी। अब देखो सेंटेंस को। इन बॉम्बे आई सॉ बिल्लू विद अ रेड बलून इन अ ब्लू बस। इसमें इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी? टू बलून एंड बस। क्या करना चाहती हूँ? अभी रागनी विल डिसाइड थ्री या टू। हाँ रागनी तुम डिसाइड करो थ्री या टू। अकड़ बकड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सो एक या दो करके ऐसा गिन लो। जी जी हेल्प मी टू। अगर तुम्हें लगता है तो फिक्स कर दो। करे मान रही हूँ। दो तुमने फिक्स किया। देखते हैं अनुभव ने क्या जवाब दिया है। कैन वी हैव अनुभव्स आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज। या जातिवाचक नाउन्स हैं दो। तो एक बात तुम्हें मैं बता दूं अगर दो गलत जवाब हुआ तो ये तुम्हें बचा नहीं सकता। ये बैड न्यूज है लेकिन फॉर्चुनेटली दो इज द राइट आंसर फॉर 1 लाख। वेरी गुड। ये ना ये बहुत कंफ्यूज करती है दीदी। इसको संभालो जरा। कभी वो लाल बहादुर शास्त्री के पास चले जाती है कभी वो बस बिल्लू और बिल्लू हाँ और बॉम्बे बॉम्बे बोल रही थी ये। दीज आर प्रॉपर नाउन्स नेम्स। अब तुम 2 लाख रुपए के लिए खेलने वाली हो लेकिन अनुभव अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच अनुभव। तुम्हारे पास बाकी बच्चे हैं तुम चुन कर सकती हो। इनमें से जल्दी से क्लासमेट चुनो और 2 लाख रुपए के लिए फटाफट खेलते हैं। कम ऑन श्री पर्णा वेरी गुड। वेलकम श्री पर्णा। कैसी हैं दोनों बहनें? बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं बहुत अच्छी। बड़े खुश हैं तुमको देखकर। ओके हम भी बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ पर आई और तुम हेल्पेज इंडिया के लिए जो मदद कर रही हो वो बहुत ही सराहनीय है। एंड आई होप यू टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच वंडरफुल स्माइल। तुमसे गाना भी गवाऊंगा लेकिन पहले 2 लाख रुपए का सवाल या कैटेगरी चूज करो। ज्योग्राफी क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी। क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी 2 लाख रुपए के लिए बिदाई सिस्टर्स के लिए सवाल दिखा जाए प्लीज। तुम दोनों का सवाल है चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी थे? अमेरिका। श्री पर्णा ने उसको फिक्स कर दिया है। अमेरिका। अमेरिका। कॉन्टिनेंट बोल रही हो कंट्री बता। न्यूयॉर्क। नहीं दैट वुड बी अ सिटी और अ सिटी ऑफ या बट द कंट्री यस। ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ तुमको परेशान कर रहा हूँ। फिक्स करो क्या आंसर था तुम्हारा। अमेरिका। ठीक है अगर तुम्हें लगता है अमेरिका तो फिक्स करो 2 लाख रुपए के लिए। अमेरिका। एक्चुअली संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं बट हम मान लेंगे क्योंकि चैरिटी के लिए है। सो ग्रांटेड 2 लाख रुपीज टू यू बिकॉज इट्स फॉर चैरिटी। ओके
खुश हो तुम लोग कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ? काश स्कूल में भी ऐसी टीचर होती। अभी देखना मैं तुमसे स्ट्रिक्टनेस दिखाऊंगा, तो आप लोग जाके छोटा सा एक टिफिन ब्रेक लें, मैं ये दोनों बिदाई सिस्टर्स को थोड़ा पनिशमेंट देता हूँ। प्लीज टेक अ टिफिन ब्रेक। तुम सिर्फ 5 सवाल दूर हो 1 करोड़ रुपए से। अगर श्योर हो तो नाम भी ले सकती हो और फिक्स कर सकती हो। जिस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं इसको है। इस बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है इसको है। तुमने सारा ब्लेम इस पे डाल दिया। तुम्हें कितनी नॉलेज है इस पर? मुझ पे डाल दो, मैं इस पे डाल देता हूँ, तो मामा जी पे डाल देगी। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ खेल रही हैं खूबसूरत पारुल और सारा, दोनों की दोनों हैं ऑब्वियसली, सीरियल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिदाई इंडियाज़ टॉप मोस्ट सीरियल, और बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की, और बहुत मुबारक हो कि तुम 2 लाख रुपए जीत चुकी हो और अब हमारे बड़े पड़ाव की तरफ तुम लोग बढ़ने लगे हो। द बिग प्राइज मनी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स 5 लाख रुपीज। तुम सिर्फ 5 सवाल दूर हो 1 करोड़ रुपए से। चूज योर सब्जेक्ट प्लीज। स्टोरीज, स्टोरीज, क्लास 4 स्टोरीज। 5 लाख रुपए के लिए प्लीज दोनों बहनों के लिए सवाल दिखाया जाए। मामा जी इन्हें कहानियां सुनाते हैं, तो अब आपसे सवाल है। हिंदू मान्यता के अनुसार भरत, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, उनके पिता कौन थे? श्री पन्ना को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, हु वॉज द फादर ऑफ एम्परर भरत, आफ्टर हुम इंडिया रिसीव्ड इट्स नेम भारत? दशरथ। दशरथ, दशरथ वही भारत के नाम पे। थोड़ा सोच समझ के देना, 5 लाख रुपए का है। दशरथ लग रहा है तुम्हें। 2 चीट तुम्हारे बकाया भी हैं। अगर गलत जवाब भी दोगे, अगर इसके पास सही जवाब हुआ तो बचा भी सकती है। एक भरत वही थे ना, राम जी के उसमें सतयुग में उनके 4 रानियां थी। थर्ड नंबर वाली क्या? इसमें गलत था। बोलो ऊंचा ऊंचा बोलो। सी आई डोंट हैव दैट मच आइडिया इन दिस। आई थिंक सो दशरथ। दशरथ 5 लाख रुपए के लिए है, चैरिटी के लिए है। अगर गलत हुआ और उधर भी गलत हुआ तो सिर्फ 2 लाख रुपए चैरिटी के रह जाएंगे। 2 चीटिंग्स हैं तुम्हारी बाकी, ताक झांक भी कर सकती है और गलत जवाब दोगी, अगर उसका सही हुआ तो बच भी सकते हो। सेफ पड़ा पर ताक झांक करें। पारंपरिक तौर पर किस भरत के नाम, जिनके वजह से हमारे देश का नाम भी पड़ा है? राम जी के जो छोटे भाई थे उनके नाम पे। हाँ, लेकिन हमें चाहिए कि उनके फादर का नाम, उनके पिताजी का नाम। दशरथ। दशरथ, दशरथ, क्योंकि उनकी 4 रानियां थी जिसके कैकेयी के बेटे थे वो। अगर श्योर हो तो नाम भी ले सकती हो और फिक्स कर सकती हो। अगर गलत हुआ, हो सकता है श्री परना जो बड़ी सीरियस लग रही है इस वक्त, बचा भी सके तुम। मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं इसको है। इस बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है इसको। तुमने सारा ब्लेम इस पे डाल दिया। तुम्हें कितनी नॉलेज है इस पर? मुझ पे डाल दो, मैं इस पे डाल देता हूँ, तो मामा जी पे डाल देगी। दशरथ। दशरथ देना चाहोगे? फिक्स कर सकती हो? दशरथ। तुम क्लोज हो, नाम सिमिलर साउंडिंग है, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत है। और सही जवाब है दुष्यंत। ये शकुंतला जी वाले दुष्यंत हैं, जिनका बेटा भरत। अब देखना ये कि श्री परना ने दुष्यंत लिखा है या दशरथ। कैन वी हैव श्री परनाज आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? दुष्यंत। So you have got 5 lakh rupees now, which is not bad. और श्री परना जो हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहेंगी। श्री परना वापस जाएंगे। थैंक यू श्री परना फॉर हेल्पिंग देम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
और जल्दी से एक बच्चा चूज कर लो तुम. धैर्य. कम ऑन धैर्य. जिता देना. Everybody have a different break and come back soon to watch Bidaai with me. Take a different break. वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंस. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मैं खड़ा हुआ हूँ बिदाई की दो खूबसूरत हीरोइंस एक्ट्रेसेस कजन्स के साथ. और मुझे बताओ कि तुम दोनों गाना गाती हो. एक गाना सुनाना चाहती हो जल्दी से हमको. हमारा टाइटल सॉन्ग. टाइटल सॉन्ग. मैं ऑर्केस्ट्रा शुरू करता हूँ. हाँ. 1 2 3 गो. मामा जी पिताजी आप तो बहुत रोते होंगे इस गाने को सुनकर. बहुत रोते हैं. जल्दी से हम तुम्हें इतनी जल्दी बिदाई ही देंगे. फटाफट एक सब्जेक्ट चूज करो. तुसी क्या बोलते हो? कोई भी. कोई भी. इंटेलिजेंट बंदा. एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम क्लास 5 फॉर 10 लाख रुपीज. सवाल जल्दी से दिखा जाए प्लीज. वे एकमात्र स्तनधारी कौन है जो पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं. विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. कंगारू. और यहाँ पे धैर्य को लगता है कि उसे जवाब मालूम है. Which is the only mammal that can fly like a bird? ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो पक्षियों की तरह उड़ सकता है? तुमने अभी बोला कैंगरू. नहीं नहीं नहीं. हाँ. रॉन्ग था वो. मैंने सुना. नहीं नहीं रॉन्ग था वो. कैंगरू ऐसा जंप उड़ता नहीं. बैट. बैट. सो रॉन्ग. ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो पक्षियों की तरह उड़ सकता है? For 10 लाख रुपीज ताक झांक भी कर सकते हो. अपनी चैरिटी हेल्पेज इंडिया के लिए 10 लाख रुपए जीतने हैं तो ताक झांक भी ट्राई कर लो. अगर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो सोचो वरना जल्दी जल्दी. बैट. बैट. बैट यानी हिंदी में चमगादड़. चमगादड़. चमगादड़ लगता है तुमको. 10 लाख रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? बैट. बट एक बार ताक झांक भी कर लेते हैं. एक बार ताक झांक भी कर लेते हैं. एक मिनट रुको. तुम्हारा आखिरी सवाल है अगर तुम्हें लग रहा है तो. दैट कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. व्हिच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. वो एकमात्र स्तनधारी कौन है जो पक्षियों की तरह उड़ सकता है? तुम्हें लग रहा है बैट. बैट की तरह उड़ सकता है वो स्तनधारी.
This is your last question for 10 lakh rupees. Go for it. अगर तुम्हें लग रहा है, एक चीज बाकी है. अगर लगता है कर सकते हो तो कर दो. ताक झांक कर दो. क्या करना चाहोगे? ताक झांक करना चाहोगे? बच्चे से? हाँ. तो फिर फिक्स करके बोलो, मैं छोटे से धैर्य से ताक झांक करना चाहूँ. हम इस छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहते हैं. तो फिक्स करो. राइट, तो आप छोटे से बच्चे धैर्य से ताक झांक करना चाहेंगे. तो देखते हैं कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है. धैर्य का जवाब, कैन वी हैव ऑन द बोर्ड प्लीज. हेल्प एज इंडिया चैरिटी में ये सारा पैसा जाएगा. बैट्स लिखा है उन्होंने. आप क्या करना चाहेंगे? जाएंगे उसके साथ. साथ में जाएंगे? बैट्स के साथ चले जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब क्या आंसर के साथ जाएंगे. तो ठीक है, अभी उसको फिक्स करना पड़ेगा कि हम दोनों बड़ी सी बच्चियां बैट्स के साथ जा रही हैं. बहने हम दोनों बड़ी सी बच्चियां दोनों बहने बैट्स के साथ जा रही हैं. वेरी गुड. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैट्स मैमल्स होते हैं. ये तुम्हें किसने बताया? ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो बाथरूम जाने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ता है. मैमल्स, बैट इज अ मैमल. चमगादड़ मैमल है, स्तनधारी है. मैं तुम्हें बताता हूं कि चमगादड़ स्तनधारी है. सो योर आंसर इज करेक्ट. 10 lakh rupees. वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशंस. तुम दोनों ने हमारी कक्षा का तुम्हारे लिए वक्त, अब समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर आई और बहुत अच्छा खेली और सारी बिदाई की टीम यहाँ पर आई. आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप दोनों जो हैं हेल्पेज इंडिया के लिए 10 lakh rupees का चेक भी हम आपको देंगे. लेकिन मेरा एक वादा था, वो तो मैं भूल ही गया. अपने स्टाइल में उस वाले कैमरा में देख कर कहना पड़ेगा कि हम दोनों, सारा एंड पारुल, हम दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बड़ी स्टार्स हैं, इंडिया के सबसे बड़े सीरियल में काम कर रही हैं, लेकिन हम पांचवी पास से हम दोनों पांचवी पास से तेज नहीं है, नहीं है. एक्चुअली उसके बाद ऐड करो, क्योंकि तुम एक्टर से बोल सकते हो कि हम दोनों बहुत बुद्धू हैं. ओके, चलो उस वाले कैमरा में देख के. अभी मैं तुम्हारा रोल कैमरा, एक्शन. हम दोनों बहने बिदाई की साधना रागनी सारा पारुल स्मार्ट है, एक्टिंग भी ठीक ही ठाक कर लेते हैं, थोड़े बहुत इंटेलिजेंट भी है, पर पांचवीं पास के बच्चों से तेज नहीं है हम. हम लोग थोड़े से बुद्धू हैं, थोड़े से, बस थोड़े से. यहाँ और इन दोनों की कंडीशन थी कि यहाँ से जो 10 lakh rupees जीते हैं इन्होंने, ये हेल्पेज इंडिया को देंगे. दूसरी कंडीशन इनकी ये थी कि दोनों मेरे एक एक डिंपल पे किस भी करना चाहते हैं. तो ये कंडीशन मैंने मान ली है. जल्दी से बीच में आता हूँ, तो तुम राइट वाले डिंपल पे करो. थैंक यू, थैंक यू. बट बिफोर यू लीव, आई वॉन्ट टू टेल यू, पांचवी पास की तरफ से आपको मिलता है एक बहुत बड़ा LCD TV. और जाने से पहले, बिकॉज एक वो थी तमन्ना हमारी, तो हम इनके साथ डांस भी कर लेंगे. सो प्लीज कम इन फ्रंट, लेट्स हैव अ सॉन्ग विद धैर्य. तुम भी आ जाओ, कम ऑन. विच सॉन्ग आर वी प्लेइंग? धैर्य सामने खड़े, यहां पर इधर आओ. या यूली, यू डू इट एंड फॉलो. तेरे हाथों कन्ना ठनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, नैनो से बोले रब्बा रब्बा, मैं बोले रब्बा रब्बा, रिप बोले रब्बा रब्बा, तू सोनी है चिंते पानी में. सोनी सोनी ते अच्छा मागी गे, एवरीबॉडी सिंग. सोनी सोनी ते अच्छा मागी गे, चिंते पानी में. सोनी सोनी ते अच्छा मागी गे, एवरीबॉडी सिंग. गुड, थैंक यू सो मच. गिनी आप, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस. एंड अब सब कर दें विदाई मेरी इन दोनों बहनों को, मेरी बहनों को नहीं, इन दोनों बहनों को. बाबुल के अंगना में नाजो बली, उस अंगना से एक दिन चली. टाटा स्काई पर रोज साइंस मैथ्स और जीके की क्विज लेता हूँ, सिर्फ एक्टिव लर्निंग थे ताई तो मैं इतना तेज है गा. वो हसीना को नीलम तरी, हर तेरी ऐसी जादू करी, नींदी ना को से छीन दी, हर दिल में बेचैनियां है भरी. वो हसीना को नीलम तरी, हर तेरी कैसी जादू करी, नींदी ना को से छीन दी, हर
दिल में बेचैनी है।